वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल नागालैंड जीनियस इलेक्ट्रॉनिक। दोस्तों, आज आपको हम ल्यूमिनस की इको वाट इन्वर्टर की ड्राइवर सेक्शन के बारे में बात करेंगे और ड्राइवर सेक्शन की जो ट्रांजिस्टर वाली जो सर्किट है उसकी सर्किट डायग्राम के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इसमें जो है कि चार चैनल होते हैं, पॉजिटिव में दो होते हैं और नेगेटिव में दो होते हैं। तो सभी जो चैनल हैं उनके डायग्राम क्या होंगे इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग आज कवर करेंगे इसमें जो पॉजिटिव चैनल है, यानी कि पॉजिटिव चैनल यहाँ पे देख सकते हैं, ये पॉजिटिव चैनल है और एक पॉजिटिव चैनल यहाँ पे है और इसमें ये आपका पॉजिटिव चैनल है। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक चैनल हो गया, एक चैनल यहाँ पर, ये आपका पॉजिटिव चैनल और एक चैनल आपका यहाँ पर, ये नेगेटिव चैनल है और यहाँ पर नेगेटिव चैनल, यानी कि चार चैनल से ये आपका जो कि ड्राइवर सेक्शन ये बनता है और जो कि मॉस्फेट को ड्राइव करता है और ये साइनवेव में काम करता है। तो इसकी सर्किट डायग्राम हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे पांच ट्रांजिस्टर के थ्रू जो कि ड्राइवर सेक्शन बनाया गया है और पांचों जो ड्राइवर जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे और समझेंगे। दोस्तों, यहाँ पे जो सर्किट डायग्राम है इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, उसके बाद हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो इसको बड़ा कर लेते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग बड़ा कर लेते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये माइक्रो आईसी है और माइक्रो आईसी की पिन नंबर 27 से पल्स निकलता है, 28 से और आपका 11 से और 12 से। तो 28 जो पिन होता है, जो 28 नंबर पिन से जो निकलता है वो आपका जो है कि पिन नंबर 28 ड्राइव पल्स पॉजिटिव साइड, यानी कि पॉजिटिव साइड में यहाँ से ड्राइव वोल्टेज ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये जो 27 देख सकते हैं, पिन नंबर 27 ड्राइव पल्स नेगेटिव साइड, यानी कि नेगेटिव जो साइड है उस साइड में यहाँ पर ये पल्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और आपका दो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पिन नंबर ये 11 रहेगा, 11 में दोस्तों ये आपका जो कि नेगेटिव पल्स आउटपुट करेगा जो कि नेगेटिव चैनल में जाएगा, और 12 जो है ये पल्स पिन नंबर 12 ड्राइव पल्स पॉजिटिव साइड, यानी कि पॉजिटिव साइड में यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो हम लोग एक साइड का पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद में आगे हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं पॉजिटिव साइड में ये पल्स को जो कि प्रोवाइड करता है, यहाँ पे देख सकते हैं ये पिन नंबर 28 से जो कि ड्राइव पल्स निकलेगी और आपका यहाँ पे R80 जो रेजिस्टेंस है उसके थ्रू जो कि ट्रांजिस्टर देख सकते हैं, Q20 है, C7CW है, एन पिन ट्रांजिस्टर है। इसकी जो ये बेस है, बेस में यहाँ पे जो कि पल्स फीड होगी, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे फीड होगी, यानी कि यहाँ पे इनपुट होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है R80 यानी कि 1K का रेजिस्टेंस है, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं 1001 है, यहाँ पे जो 1 रहेगा यहाँ पे 0 यहाँ पे आ जाएगा, तो 0 यानी कि 1 0 0 और 0 यानी कि 3 0 है, ये आपका हज़ार से कट जाएगा, यानी कि किलो से कट जाएगा, तो यहाँ पे 1K हो जाएगा। अगर यहाँ पे 0 रह रहा है, अगर मान लीजिए 0100 और यहाँ पे 0 रहेगा, तो ये जो लास्ट का जो 0 है ये मान्य नहीं होगा, यानी कि इसकी जो वैलिड नहीं होगी, तो यहाँ पे 100 ओम्स का ये रजिस्टर हो जाएगा। इस तरह आप सभी रजिस्टेंस का वैल्यू पता कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका यहाँ से पल्स यहाँ पे इनपुट होगी Q20 ट्रांजिस्टर में, ठीक है। सभी दोस्तों ये ट्रांजिस्टर है, उसमें असेंबली ट्रांजिस्टर है, तो मैंने यहाँ पे असेंबली ट्रांजिस्टर इस तरह बनाया है जो कि आप लोग समझ सकते हैं, इमीटर बेस कलेक्टर। तो यहाँ पे जो R90 रेजिस्टेंस है 1002 है, ये 10K का है और ये यहाँ पे जो है ग्राउंड हो गई है, ये जो रजिस्टर है ये ग्राउंड हो गई है, देख सकते हैं। उसके बाद में बेस पे सप्लाई जो आएगी कलेक्टर से ये आउट होगा एम्पलीफाई करते हुए, और यहाँ पे रेजिस्टेंस R76 4701 से यहाँ पे जो है कि सिग्नल आउट होगी, और दूसरा ट्रांजिस्टर देख सकते हैं Q12 है, 2F है, यानी कि PNP ट्रांजिस्टर, ये इसकी बेस पे ये फीड होगी, यानी कि इनपुट होगी यहाँ पे। और ये जब इनपुट होगी यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो ईमीटर है, ईमीटर में आपका पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पे आ जाएगा, इसमें 1 ओम्स के रेजिस्टेंस है R62, यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई आ जाएगी, और यहाँ पर एम्पलीफाई करते हुए कलेक्टर से आउट होगा, देख सकते हैं आप सकते हैं, और ये कलेक्टर से आउट होते हुए R51 रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पे जो फिर आएगा, देख सकते हैं ऐसे सिग्नल आउट होगा, और फिर जो यहाँ पे हीटिंग जो होती है पॉजिटिव साइड में
वहाँ से डायरेक्ट थ्रू जो कि फिर सप्लाई बैक आएगी देख सकते हैं। और यहाँ पे R6 यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं 100 ओम्स के थ्रू यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे जो सिग्नल आ रही है देख सकते हैं, वो सिग्नल आपके डायरेक्ट जो है कि यहाँ पे दो ट्रांजिस्टर लगे हैं देख सकते हैं, एक PNP ट्रांजिस्टर है, एक NPN ट्रांजिस्टर है। यहाँ पे 2F है, ये PNP है, और 7CW NPN ट्रांजिस्टर है। इसकी बेस पे ये सप्लाई आ जाएगी देख सकते हैं, सप्लाई आ जाएगी। और जो सप्लाई जो सिग्नल आएगी वहाँ पे दो ट्रांजिस्टर है, इसके बेस पे यहाँ पे आ जाएगी देख सकते हैं। और जब बेस पे आ जाएगी तो इसकी इमीटर और इसकी इमीटर आपस में जुड़ जा रहे हैं देख सकते हैं, और कलेक्टर यहाँ पे देख सकते हैं, और इसकी कलेक्टर, ये कलेक्टर जो है आपका पॉजिटिव जो सप्लाई था देख सकते हैं। आगे हम लोग जाते हैं देख सकते हैं, ये पॉजिटिव जो सप्लाई आ रही है उसकी कलेक्टर में ये जुड़ जा रही है, यानी कि यहाँ पे जो NPN ट्रांजिस्टर जो है, PNP ट्रांजिस्टर है, इसकी जो कलेक्टर है वो MOSFET के सोर्स से ही जुड़ गए हैं देख सकते हैं, दोनों MOSFET के सोर्स से जुड़ गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे बेस पे जो स्विचिंग सप्लाई जो आएगी, यहाँ पे पल्स आएगा, वो आपका जो है कि इमीटर से आउट होगा देख सकते हैं, दोनों के इमीटर से आउट होंगे, और आउट होने के बाद में MOSFET पे जाएगा सिग्नल, और MOSFET जो सिग्नल जाएगा वो R70 रेजिस्टेंस के थ्रू जो कि 15 ओम्स का रेजिस्टेंस रहेगा देख सकते हैं आप, और सोर्स और रेजिस्टेंस के बीच में आपका एक रजिस्टर और रहेगा R75 देख सकते हैं, 2.2 किलो ओम्स का रहेगा देख सकते हैं आप। और यहाँ पर भी सेम आपके दूसरे MOSFET में 2.2 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है। आपका जो है कि कैपेसिटर भी लगा हुआ है, एक PF लगा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर PF लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि जो सप्लाई आएगी इसमें ड्राई वोल्टेज, ठीक है, इसको लिमिट करने के लिए ये रजिस्टर लगाया गया है यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि पल्स कभी कभी जो है कि अचानक बढ़ जाते हैं यहाँ पे, जो कि ये इसे ग्राउंड कर जाते हैं, यानी कि इसकी जो सोर्स है ये एक तरह से ये ग्राउंड है, लेकिन ये नेगेटिव से ग्राउंड नहीं है। जब भी आप MOSFET की जो वोल्टेज से आप चेक करेंगे इस पर, इसकी जो गेट वोल्टेज चेक करेंगे, इसकी सोर्स से आपको यहाँ पर वोल्टेज चेक करना होता है, ठीक है, इसकी सोर्स से आप यहाँ वोल्टेज चेक करेंगे, ठीक है। और ये सोर्स जो रहेगा आपका, ये ट्रांसफार्मर चला जाएगा देख सकते हैं, इसमें जो ट्रांसफार्मर होता है साइन वेव में जीरो देख सकते हैं, यहाँ पे 7.5 वोल्ट यहाँ पे आउटपुट होते हैं, यहाँ पे इनपुट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपका जो है कनेक्ट हो जाएगा देख सकते हैं, और एक आपका जो है कि सेकेंड जो चैनल रहेगा उसकी जो है सोर्स से ये कनेक्ट होगा, ठीक है, जो सोर्स से कनेक्ट होगा। तो ये दोस्तों यहाँ पे जो 7.5 जो वोल्टेज जो हम लोग इनपुट कर स्विचिंग करते हैं, इससे इलेक्ट्रिक जनरेट होता है, लेकिन चार्जिंग में दोस्तों ये क्या होता है, 7.5 जो है वोल्टेज को ये बूस्ट करता है, यानी डबल हो जाते हैं वोल्टेज चार्जिंग के समय, यानी कि 15 वोल्ट होता है जो कि बैटरी को ये चार्ज करता है। तो इसी तरह ये बैटरी चार्ज करते हैं दोस्तों। ये जो चैनल है ये आपका पॉजिटिव चैनल है देख सकते हैं आप, और इसकी एक पॉजिटिव चैनल और बनाएंगे हम उसकी डायग्राम, और जो डायग्राम को जो है कि हम लोग इसकी जो पॉजिटिव चैनल है उसको हम लोग कवर करेंगे, यानी कि ये फर्स्ट पॉजिटिव चैनल है, सेकेंड पॉजिटिव चैनल को हम लोग कवर करेंगे, और आपको जो कि नेक्स्ट वीडियो हम बताएंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक, उसके बगल में नोटिफिकेशन का बेल है उसको क्लिक कर दीजिएगा। और दोस्तों वीडियो हम लोग बहुत मेहनत से बनाते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों मेरे दो चैनल और हैं, एक है और टेक्निकल चैनल है, और एक मेरे ब्लॉग चैनल है, तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक है, वहाँ पर जाके मेरे चैनल को देख सकते हैं। और दोस्तों अगर इसकी जो डायग्राम चाहिए तो डायग्राम भी मैं दूंगा, अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट यही है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे ब्लॉग चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप लोग से अगर आप लोग खुशी होती तो हमें भी खुशी होती है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत। दोस्तों मेरे चैनल पे आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक, उसके बगल में नोटिफिकेशन का बेल है उसको क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए। दोस्तों मेरे चैनल पे आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक, उसके बगल में नोटिफिकेशन का बेल है उसको क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए।